नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के समर्थन में रविवार को चंबा के 120 बूथों में भाजपा द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इस अधिनियम के बारे जागरूक किया जाएगा। वहीं चंबा विधायक स्वयं भी नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे जानकारी देंगे ताकि नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे लोग जागरूक हो। इस बारे जानकारी देते हुए विधायक चंबा सदर पवन नैयर ने बताया कि कुछ राजनीतिक दल सिर्फ अपना राजनीतिक लाभ लेने हेतु लोगों में इस अधिनियम के बारे गलत अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी संप्रदाय के लोगों को इस अधिनियम से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस जागरूकता अभियान के तहत वह स्वयं चंबा शहर के विभिन्न 17 बूथों पर जाकर लोगों को इस अधिनियम के प्रति जागरूक करेंगे। वहीं उदयपुर में भी 3 बैठकें कर लोगों को जागरूक करेंगे। पाल सत्ती जी के निर्देश पर कल हरेक बूथों पर, हमारे चंबा विधानसभा के 120 बूथ हैं और हरेक बूथ में जितने हमारे बूथ अध्यक्ष हैं उनको निर्देश दे दी गई है। हमारे मंडल के जो अध्यक्ष हैं विनोद जी ने सबको ये निर्देश दिया कि कल ठीक 12 बजे से पहले पहले हरेक बूथ पर जो है ये नागरिक संशोधन बिल के ऊपर लोगों को जागरूक करें, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है ये लोगों को गुमराह कर रही है, लोगों को झूठ बोल रही है और खासकर हमारे जो मुसलमान भाई है उनको ये बहका रही है। इस अधिनियम में कोई ऐसी बात नहीं ताकि जो कि हमारे मुसलमान भाइयों के कोई अंगेज जाए कोई। मैं उनको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि अगर किसी भी हमारे चंबा में इस अधिनियम के अगर किसी को तकलीफ होगी तो मैं हम सारे उनके साथ खड़े हैं। ये लोगों को बहका रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में जो है जागरूकता अभियान चला हुआ है ताकि और लोग समझ रहे हैं। आजकल हर एक जगह रैली हो रही है इसके पेपर में, तो कल हमने जो है ये अभियान रखा हुआ है और हम खुद, मैं कल खुद जो है पहले हमारे जो चंबा के 17-18 बूथ है उस पर 11 बजे मीटिंग करूंगा। उसके बाद उदयपुर में 1, 2, 3 है, उदयपुर 1, उदयपुर 2 और उदयपुर 3, वहाँ पर भी हमने 12 बजे मीटिंग रखी हुई है और लोगों को इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। चंबा हलचल मीडिया नेटवर्क रिपोर्ट।